खरगोन जिले में भोपाल का एक बुजुर्ग पहुंचा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के सपने को साकार करते दिखाए। हम आपको बता दें कि भोपाल का रहने वाला बुजुर्ग विगत 6 माह से अपने खर्चे से प्रदेश भर में जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसी बीच वो खरगोन पहुंचे और सड़क पर पड़े कचरे की सफाई करते दिखे। इस दौरान उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी को आदर्श मानकर लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना ही उनके मिशन का उद्देश्य है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जगह जगह जाकर कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा संदर्भित करें। जी हां, मैं भोपाल से निकला हूं और यहां घर मार्केट में जो कचरा दिखा तो मैं कचरा जो है झाड़ू लगाकर कचरा उठा के लोगों को संदेश दे रहा हूं। हर इंसान अगर अपना कचरा कचरे के डब्बे में डालेगा तो बोले ना, हमारे शहर को या देश को स्वच्छ बनाना है, बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप स्वच्छ बन जाएगा। बहुत छोटा सा काम है। जो ये नारा किया था हर पत्र में, इसको बहुत जरूरी है ना, क्योंकि नारा दिया था गांधी जी ने स्वच्छ भारत का, लेकिन 72 साल में किसी भी पार्टी ने छोटी जान जान बात पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बड़ा मत बन चुका है। लेकिन मोदी जी ने स्वच्छ भारत शुरू करके बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा देश स्वच्छ बनेगा। मुझे हिंदुस्तान जनता का ओवरऑल पूरा भरोसा है कि देश स्वच्छ बनेगा। वंदे मातरम। कहाँ से हैं आप लोग? अब तक कहाँ घूम चुके हैं? अभी मैं जा चुका हूँ, बहुत मैं रोज बॉम्बे गया था, रास्ते में जितने भी गाँव पड़े रास्ते में गया था, तो मेरे चला अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और टीकमगढ़, बेहसा, शाजापुर, केंद्रापुर भाई, इंदौर, देवास, शाजापुर, होशंगाबाद, बुधनी और नरसिंहगढ़, ब्यावरा, सिरोही। कब से निकले आप? वैसे तो मुझे स्वच्छता अभियान शुरू करने को 6 साल हो गए, लेकिन कोई दिख नहीं, कभी भी निकल जाता हूँ। ये अपने स्वयं के खर्चे से? हाँ, स्वयं के खर्चे से कर रहा हूँ। अभी सरकार की तरफ से, नगर निगम तरफ से कोई सहयोग नहीं। क्या क्या लोगों को संदेश किस तरह का दे रहे हैं? स्वच्छता संदेश देना है, हर इंसान को रखना बहुत जरूरी है, तो हमारा देश स्वच्छ बने। कुछ चीज़ें हमारी सरकार की सारा गलती हमारी। क्या नाम है आपका? सैफुद्दीन, शाजापुर वाला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।